लूना 25 के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर है कि 47 साल बाद जो रशियन एक मून मिशन लॉन्च किया वो फेल हो गया। रशियन स्पेस एजेंसीज ने इस चीज को कंफर्म किया। एक टेक्निकल ग्लिच के चलते ये मिशन फेल हो गया। ग्लिच क्या था कि जो कैलकुलेशन वो लोग किए थे उससे अलग कंडीशंस चांद पर पाई गई। वो एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में फंस गया था जिसके बाद वो क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। इसका रीजन बताया जा रहा है द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड पैरामीटर्स, यानी जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत डीप बात है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, एक रॉकेट साइंस होता है, उसके डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन यही मान लो कि वो लोग जो सोचे थे वो वहां पर नहीं हो पाया, जिसके चलते वो ऑर्बिट से स्पिन ऑफ होके क्रैश कर गया और कांटेक्ट करने की कोशिश भी पूरी तरह से फेल हो गई। और इस चीज से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज बहुत खुश है रशिया के इस नाकामी से, लेकिन भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत का भी मिशन अभी बहुत एक नाजुक समय पर है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारत के पहले इंसान जो स्पेस में गए थे राकेश शर्मा, उनके मिशन में रूस का बहुत हेल्प था भारत को। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जब लॉन्च हुआ था तब उस टाइम 1975 के टाइम भी रशिया ने भारत की बहुत हेल्प की थी। इंडिया का जो गगनयान मिशन आने वाला है जिसमें कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, ये इसरो का अपकमिंग मिशन है, इसमें भी बहुत हेल्प कर रहा है रशिया भारत के लिए। रशिया भारत को इनफैक्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इतना कुछ होते हुए भी इस पे हंसना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो लोग खुशी मना रहे उनके लिए, रशिया हमेशा से भारत का साथ देते आया है, तो ये मिशन फेल होने से भारतीयों के भी मन में सवाल आ रहा है कि क्या चंद्रयान में भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये तो टाइम ही बताएगा। इसके बारे में रियली में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग। बस हम पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हैं। इससे बस ये एक चीज है कि साउथ पोल पर जाने वाला अभी भी भारत पहला कंट्री बन सकता है टेक्निकली, क्योंकि रशिया का मिशन फेल हो गया है। लेकिन रशिया जो है वो हर एक स्पेस मिशंस में भारत का साथ देते आया है। मान लो आपके नाम पर किसी ने सिम ले लिया, तो अब आपको पता तो नहीं है कि मेरे नाम पर सिम लिया हुआ है। अब उसी सिम से किसी ने किसी को किडनैपिंग की धमकी दी या फिर कोई भी क्राइम किया, तो फंसेगा कौन? आप। क्योंकि जब ये नंबर थाने में रिपोर्ट किया जाएगा और थाना इस नंबर के ओनर को पता करेगा तो आपका नाम आएगा, सिंपल। लेकिन आप तो किए नहीं हो, लेकिन सिम लेते वक्त आपके आधार कार्ड का यूज किया जाएगा। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि सिम लेते टाइम तो बहुत वेरिफिकेशन होता है, तो फिर कैसे मेरे नाम पर कोई सिम ले सकता है? बात यह है कि जो सिम डीलर्स होते हैं वो मिले हुए रहते हैं, वो किसी तरह डॉक्यूमेंट को टैम्पर करके आपके आधार कार्ड के नाम पर सिम ले लेते थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट का एक नया नियम आया है कि अब हर सिम डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पहले मतलब पहले जितने वो लायबल थे किसी भी चीज के लिए, अब ज्यादा लायबिलिटी उनके ऊपर रहेगी। और जो बल्क कनेक्शन मिलते थे उस पे अब रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि ये जो चीज है ना कि किसी और के नाम पर फ्रॉडस्टर सिम लेके क्राइम करते थे, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। क्या है कि जब भी किसी इंसान को मान लो कि धमकी का कॉल आएगा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? रुक रुक, अभी मैं पुलिस में तुम्हारा नंबर रिपोर्ट करता हूँ। तो जो कॉल करता है ना, जो क्रिमिनल होता है, वो हंसता है, बोलता है जा कर ले, क्योंकि वो इतने भी बेवकूफ नहीं रहते हैं। वो अपने नाम पे सिम थोड़ी लेके कैसे धमकी देंगे, किसी और के नाम पे ही लेते हैं। और ज्यादातर ये लोग सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स लेके करते थे। तो इसी पर गवर्नमेंट ने रोक लगाने के लिए ऐसा किया कि अब सिम डीलर्स का भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो अब फर्जी कॉल और जो फ्रॉड होते थे वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में कम हो जाएगी। देश भर में करोड़ों सिम डीलर्स है भारत में, उसमें से 67,000 सिम डीलर्स को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है सरकार ने, क्योंकि वो एलिजेडली ऐसा कुछ कर रहे थे, बल्क में फेक कनेक्शन देना। तो ये जो चीज है ना कि कोई और किसी और के नाम पर ऐसा कर लेता है उसके डॉक्यूमेंट को किसी भी तरह एक्सेस करके, तो ये चीज बहुत बढ़ रही थी। क्या है कि ऐसी और एक चीज होती है, मान लो आपके पास एक बाइक है, पुरानी हो गई है बाइक, और उस बाइक को आप बेचना चाहते हो, तो आमतौर पर क्या है कि अगर कम दाम में बिकी बोलते हैं हाँ ले ले बाइक ले ले। अब क्या है कि आरटीओ में जो ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसमें तो बाइक जो है वो आपके ही नाम पे है ना, या फिर आपके पापा के नाम पे, तो आप अगर उसको इनफॉर्मली ऐसी कैजुअली बेच दोगे
और वो बाइक किसी दंगे वगैरह में अगर यूज किया गया और उसकी जब जांच हुई तो उसका ओनर कौन होगा बाइक का? आप होंगे या फिर आपके पापा होंगे। किसी दंगे में या फिर किसी क्राइम में उस बाइक का इस्तेमाल हुआ तो जो ओनर है वही फंसेगा। इसलिए बाइक का जो सेल ट्रांसफर है वो कभी इनफॉर्मली नहीं करना चाहिए, उसको बेचने के बाद सरकारी रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देना चाहिए ताकि अब जो नया बाइक लिया है जो इंसान उसका लायबिलिटी हो, क्योंकि अब उसका नाम है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, तो अब जब कुछ क्राइम होगा तो वो फंसेगा। लेकिन भारत में अभी भी बहुत कोई बाइक्स को ऐसी इनफॉर्मली बेच देते हैं जो कि सही नहीं है। ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आप अगर कभी अपने गाँव गए तो आपको अपने गांव के घर में या फिर कहीं घर के अंडरग्राउंड में खजाना मिले और ये पता चले कि ये दादाजी आपके रखे थे बहुत साल पहले? ऐसा बहुत लोगों को फैंटेसी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए टोटल बैंक्स में पड़े हुए हैं जो कि अनक्लेम्ड है। ऐसा पैसा जिसका कोई मालिक नहीं है, ना कोई क्लेम करने आता है, भुला दिया गया है ऐसा पैसा। इस साल के फरवरी महीने तक 35,000 करोड़ बैंक्स ने आरबीआई को दिया है। ऐसा पैसा जिसमें 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है। मान लो किसी रैंडम इंसान ने बैंक अकाउंट खोला, उसमें 8 करोड़ रुपए रख दिए, तो ऑफ कोर्स वो एक्टिवली यूज करेगा ना उस पैसे को। लेकिन मान लो कि वो अचानक से गायब हो गया, अब वो 8 करोड़ रुपए 10 सालों से पड़ा हुआ है उसी में, बैंक में ही, तो उसको टेक्निकली कोई तो यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मालिक तो वो है, तो वही यूज कर सकता है। या फिर उसका कोई लीगल हायर, यानी उसका कोई बेटा या फिर उसके फैमिली का कोई मेंबर जो आके क्लेम करे। तो ज्यादातर केसेस में तो क्लेम होता है, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ नहीं, 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हैं हमारे देश में। अनक्लेम्ड मनी में आप ये मत समझना कि सिर्फ बैंक अकाउंट्स की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद के भूल जाते हैं, कुछ लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीद कर भूल जाते हैं, और कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में डालकर भूल जाते हैं। तो ये सारे मनी का टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। कई लोगों का फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह होता है, लेकिन परिवार में पता ही नहीं होता है कि ये ऐसा भी कुछ किए हैं। और मान लो कि किसी का मृत्यु हो जाता है तो परिवार को पता ही नहीं रहता कि पैसा है। 10 साल तक कोई एक्टिविटी ना होने के बाद वो इंस्टीट्यूशंस ये पैसा आरबीआई को दे देती है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीड कर रहा है इस चीज को 8,000 करोड़ से। पंजाब नेशनल बैंक में 5,300 करोड़, कनरा बैंक में 4,500 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 3,900 करोड़। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई एक ऐसा सेंट्रल वेबसाइट ला रही है जो कि एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा इन चीजों के लिए। यानी अगर आपके पूर्वज या फिर कोई भी, यानी आपके फैमिली मेंबर का सिर्फ पैन कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको जानना है कि इनका पैसा कहीं फंसा हुआ है कि नहीं। अब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यही सब चीजों से लिंक्ड रहता है ये पैसा। एक सेंट्रल सर्वर एक ही पैन कार्ड का जितना प्रॉपर्टी है सारा डेटा दे देगा और फिर लीगल हेयर उसको उसी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ही क्लेम कर पाएगा प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। देश के पूरे जीडीपी की बात करें तो अलग अलग जगह से जीडीपी जेनरेट होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जो इंडस्ट्री है, जो इतने सारे ट्रक्स चलते हैं, माल इधर से उधर होता है, ये एक अलग दुनिया है। डिजिटल बिजनेस जो करते हैं वो अलग दुनिया है। किसी का किराने का शॉप है तो वो एक अलग दुनिया है। सब जगह से इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है। तो जो डिजिटल दुनिया है, यानी जो लोग आप लोगों में से जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो साल 2015-16 के आसपास जब इंटरनेट उतना पॉपुलर नहीं था, जैसे जैसे कंपनी सस्ता करते गए डेटा को, उसके पहले ऑनलाइन बिजनेस उतना पॉपुलर नहीं था, घर घर में इंटरनेट नहीं था, तब ये पूरे जीडीपी का सिर्फ 4% होता था उस टाइम। अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि साल 2026 तक, यानी अभी 2-3 साल में ही, पूरे जीडीपी का 20% सिर्फ ये डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगा। इसके बारे में सोचो तो बहुत, मतलब ये फैसिनेटिंग सी बात है कि ऑनलाइन बिजनेस, जो ये ऑनलाइन दुनिया है, ये पूरे जीडीपी का 20% होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब जो पूरे सारे शहरों में इलेक्ट्रिकल बसेस होंगे उसको बढ़ाया जाएगा। 10,000 इलेक्ट्रिकल बसेस का टारगेट रखा गया है पूरे इंडिया में। तो ये जब बात हुई रिसेंटली, तब जेबीएम ऑटो जैसे शेयर्स का प्राइस एक दो दिन में ही 10% तक बढ़ गया। इससे ये पता चलता है कि सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती है उससे एक एक कंपनीज कितनी ज्यादा प्रभावित होती है। किसी सेक्टर के लिए एक बार कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आ जाए
तो पूरा सेक्टर डिप हो जाता है, और अगर कुछ पॉजिटिव बात आ जाए तो एक दिन में शेयर का प्राइस 10% बढ़ जाता है। क्या है कि जनरली लोग अलग से इलेक्ट्रिकल बाइक्स को खरीदना नहीं चाहते हैं। लोग ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनका एग्जिस्टिंग बाइक ही इलेक्ट्रिकल बाइक में बदल जाए। तो इस चीज में गवर्नमेंट ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है जिसका नाम है गो गोवा वन, और ये क्या कर रही है कि हर जगह के लोकल आरटीओ के साथ मिलकर, यानी सरकार के साथ मिलकर, ये लाइसेंस्ड कन्वर्जन का सर्विस दे रही है, किसी भी बाइक को इलेक्ट्रिकल बाइक में कन्वर्ट करने की सर्विस। और जनरली बाइक्स एक फुल चार्ज में 150 किलोमीटर तक चल जाती है। बेंगलुरु में 3D प्रिंटर के जरिए बनते हुए एक बिल्डिंग के बारे में, एक पोस्ट ऑफिस के बारे में मैंने बताया था, जो कि भारत का पहला बिल्डिंग है जो कि 3D प्रिंटर से बनाया गया है, तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। 45 दिनों में 1000 स्क्वायर फीट का ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है। व्हाट्सएप में एक बहुत ही बड़ा कंप्लेंट होता है लोगों का, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो भी वो फोटो भेजते हैं वो बहुत लो क्वालिटी का हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप एक अपडेट ला रहा है जिसमें कि अब इमेज भेजते टाइम क्वालिटी सेलेक्ट करना होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी या फिर HD क्वालिटी, जिससे कि जो नॉर्मली हम शेयर करते हैं फोटो जो कि कितना भी अच्छा हो लेकिन वो कंप्रेस होके खराब हो जाता है, तो वो अब नहीं होगी क्योंकि अब ऑप्शन आएगा भेजने के पहले। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में इमेज को भेजना वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फॉरवर्ड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसका क्वालिटी अब कम नहीं होगा अगर आपने हाई क्वालिटी सेलेक्ट किया सेंड करते समय। तो अभी भारत का एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो 2-2.5 लाख के आसपास है, यानी एवरेजली एक इंसान साल में 1,80,000 से लेके 2.5 लाख तक ऑन एवरेज कमाता है। ज्यादा कमाने वाला, कम कमाने वाला बहुत है, लेकिन टोटल एवरेज निकालो तो वो 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच में आएगा, यानी $2,500 के आसपास। लेकिन SBI ने एक रिसर्च किया है और एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि 2047 तक भारत का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो 15 लाख हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, तो उस टाइम जो आंकड़े है वो कैसे नजर आएंगे इसका अंदाजा किया गया है बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और रिसर्चेस के साथ। तो ये कंक्लूड किया गया है कि 2047 तक, यानी आजादी के 100 साल मान लो, वहां तक करीब 14 से 15 लाख पर एनम एक इंसान का इनकम हो सकता है उस टाइम तक। यानी उस टाइम 2047 में हम ये कह पाएंगे कि 1 लाख पर महीना जो इनकम है, जो अभी एक अपर मिडिल क्लास ही माना जाता है, कोई अगर 1 लाख पर महीने से ऊपर कमाता है तो वो रीजनेबली ठीक ठाक लाइफ जी लेगा, अपर मिडिल क्लास माना जाता है अगर हम इतने बड़े पॉपुलेशन को देखे तो उस टाइम 1 लाख महीना यानी साल का 12 से 15 लाख कॉमन हो चुका होगा। और जिस तरह अभी हम लोग 10,000 पर महीना जो बोलते हैं कि कॉमन सैलरी है, 10,000 कोई भी कमा लेता है ऐसा कहा जाता है जनरली लोगों के द्वारा, तो जो वैल्यू हमारे मन में भी 10,000 पर महीने के लिए है कि हाँ 10,000 पर महीना, यही चीज बराबर होगी उस टाइम 2047 जब चल रहा होगा, तब 1 लाख पर महीना कॉमन हो चुका होगा, 10,000 जो अभी है उसके बराबर वाली फील देने लायक। मूडी एक रेटिंग एजेंसी है और उसने भारत का रेटिंग दिया है BAA3, यानी भारत को एक स्टेबल कंट्री बताया है मूडी ने, जो कि US की एक एजेंसी है। यानी ग्लोबल उतार चढ़ाव के बीच जो भारत की इकोनॉमी है वो रेगुलरली ग्रो करेगी ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। आपको पता है इकोनॉमी ग्रो करने का सबसे मेन कारण में से एक है यहाँ की यंग पॉपुलेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जिस देश में यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा कंज्यूम करता है चीजों को। एक टीनेज लड़का आईफोन लेने के लिए बहुत क्रेज में रहता है, और वही अगर 40-50-60 साल का एक इंसान हो तो वो कंपैरेटिवली कम क्रेज रहेगा और कम मोटिवेशन रहेगा एक आईफोन या फिर कोई लग्जरी सामान लेने के लिए। तो इस चीज को कंज्यूमशन मार्केट कहते हैं, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना चीजों को खरीद रहा है। तो क्योंकि इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी जो डिमांड है चीजों की वो जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है यानी जो सप्लाई कर रही है उससे ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जब भी सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है तो ग्रोथ होता है इकोनॉमी का। और वही जापान को अगर ले जिसको कि ओल्ड कंट्री माना जाता है क्योंकि वहां का ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर यंग लोग कम है, तो वहां पर कंज्यूम करने के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए वहां का इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। एक फैक्ट बताता हूं, आप अगर शेयर मार्केट में होंगे तो आपको पता होगा, नहीं हो तो एक जान लो एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट। ये ग्राफ देखो, ये है जापान का नेकी 225 इंडेक्स,
यानी वहां का शेयर मार्केट इंडेक्स। जापान 1970s से लेकर 90s तक बहुत ग्रो किया था, लेकिन 1990 में जो पीक बना था इकोनॉमी का वो डाउनफॉल हुआ, और अभी 2023 में भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पर 1990s में था। वो अभी क्रैश होने के बाद रिकवर भी नहीं कर पाया है, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन मार्केट बहुत कम है। लेकिन कंजम्पशन मार्केट सही नहीं होता है, सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है देश के इकोनॉमी के लिए, बल्कि जो नीतियां, जो गवर्नमेंट है वो कैसा वर्क कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। नहीं तो चाइना का भी पॉपुलेशन बहुत है, भारत से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है और डिफ्लेशन भी देखा जा रहा है। डिफ्लेशन मतलब मान लो कि किसी कार का प्राइस 10 लाख है तो अगले साल वही कार 8 लाख में मिलेगी। ऐसा जब इकोनॉमी का हालत होता है, मतलब महंगाई का उल्टा, तो इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। और डिफ्लेशन आपको सुनकर लग रहा होगा ये तो अच्छा है, प्राइस कम होगा। ऐसा बात नहीं है भाई, प्राइस कम होगा चीजों का लेकिन आपका इनकम भी कम हो जाएगा, तो डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भारत फिलहाल बहुत ही स्टेबल है, और 2050 तक, यानी आप अगर 15 से लेकर 30 के बीच साल में हो, यानी टीनेजर हो, या फिर 20 से लेकर 30 साल के बीच में हो, जो कि मेरी मेजोरिटी ऑडियंस है, तो आप और मैं, आप और हम जब बूढ़े होंगे, हम लोग जब रिटायर होंगे मान लो 2060 में, तब तक एटलीस्ट इंडिया बहुत ग्रो करेगा इकोनॉमी के मामले में। उसके बाद शायद इंडिया का पॉपुलेशन बहुत मात्रा में ओल्ड एज हो चुका होगा, तब का सीन शायद कुछ और होगा, तब शायद डिफ्लेशन आए, लेकिन एटलीस्ट 2050-60 तक तो ये इंक्रीज होगा ही होगा। एक फ्यूचर का बहुत अच्छा सा मैप मैं आपको बता दिया। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।